जब तक वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होने को राजी नहीं होते हैं तब तक पुलिस और प्रशासन जो है उनको इसी तरह से सर्किट हाउस में डिटेन करे रहेगा, क्योंकि वो जिद पर अड़े हुए हैं लखीमपुर जाने के लिए, और लखीमपुर में कानून व्यवस्था ना बिगड़ जाए इसकी वजह से कांग्रेस के नेता हैं उन्हें डिटेन कर लिया गया है। और यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की नारेबाजी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी अपने समर्थकों के साथ पहुँचे हैं, और जो सर्किट हाउस के पास जो बाहर हाईवे है उस पर नेता जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि उन्हें नेताओं के साथ रखा जाए। तो जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो या सचिन चौधरी हो, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर धरना दे दिया जाए, क्योंकि सर्किट हाउस के बाहर जो कांग्रेस के नेता हैं वो आप देख सकते हैं कि नारेबाजी कर रहे हैं। उस बात के लिए अगर ये मिलने देना चाहते हैं हम, हमारे नेता अंदर बंद हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं से योगी जी को दिक्कत है, बाबा को दिक्कत है, पूरी सरकार को दिक्कत है। आपको बता दें कि हमारी प्रियंका गांधी जी पिछले 70 घंटों से बंद रखा गया उन्हें, और बंद रखने के बाद आज उनको भेजा गया है लखीमपुर। किसी के बाप का देश नहीं है ये। सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी अंदर हैं सर्किट हाउस में। तो आप लोग यहां पर कब तक जमे रहेंगे? हम जब तक रहे में रहेंगे जब तक हमारे नेताओं को छोड़ा नहीं जाता। हम उनके साथ जेल जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, इस निकम्मी सरकार को हटा के। जो कांग्रेस के नेता है यहां पर नारेबाजी, उनका जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है, और उनका ये कहना है कि हम